Hello everybody, my name is Bubleen and I'm from Bhatia Neuropsychiatric Hospital. And once again, welcome to our series, It's Okay Not To Be Okay. और जैसे कि हम हमेशा अपनी सीरीज में बात करते हैं इमोशंस की, फीलिंग्स की और कैसे वो हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, आज कुछ इस तरह की बात मैं करना चाहूँगी कि कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं जिनके साथ हम एक ऐसी फीलिंग अटैच हो जाती है जिसको हम कभी लेट गो नहीं कर पाते, जैसे कोई डर है या कोई डाउट है या कोई वरी है या किसी के साथ हमारी नहीं बनती है, वो हम जो फीलिंग है उसको विद इन हम कैरी करके रखते हैं अपने साथ और उनको हम लेट गो नहीं कर पाते। और सिमिलरली ये सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स ही नहीं होती, पॉजिटिव फीलिंग्स भी होती हैं कि हम पास्ट में जैसे हम बोले कि हम पहले मेरे पास बहुत पैसा था या पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी या पहले मैं बहुत सुंदर होती थी या पहले बच्चे हमारी बहुत सुनते थे बट आज नहीं सुनते हैं, सो वो जो प्लेजेंट फीलिंग्स के साथ भी अटैचमेंट है वो हमारी नहीं जाती है। सो जब हम उन फीलिंग्स को छोड़ नहीं पाते, लेट गो नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट करती है हमारी आज की लाइफ के ऊपर। सो आज मैं उसी चीज के बारे में बात करूंगी कि हम कैसे वो अटैचमेंट टू दोज फीलिंग्स, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको हम लेट गो कर सकते हैं। सो टॉपिक फॉर द टुडे इज लेटिंग गो ऑफ दोज सच फीलिंग्स। लेटिंग गो का मतलब होता है कि हम ये चीज पहचाने कि कोई भी थॉट या फीलिंग जो हमारी आज की खुशी में इंटरप्ट कर रही है, हमें उसको लेट गो कैसे करना है। लेट गो, हम पुरानी फीलिंग्स के साथ अपनी अटैचमेंट को तोड़ेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम ग्रोथ लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज वो जो हमारी फीलिंग के साथ अटैचमेंट है, जब तक हमारी वो नहीं टूटेगी, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम वो नई चीजें जो हमारी लाइफ में हो रही है हम वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो अब मैं कुछ ऐसे तरीकों की बात करूंगी जो हम अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं ताकि वी कैन प्रैक्टिस दिस एक्ट ऑफ लेटिंग गो एवरी डे। सो पहला तरीका है माइंड कंट्रोल। माइंड मीन्स थॉट्स। सो हमें ये चीज को समझना है कि जो हम सोचते हैं अपने बारे में, हम एक्चुअल में वो नहीं होते। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं कि जिनमें हम फेल हो जाते हैं एंड वी टैग आवर सेल्स कि आई एम अ फेलियर। सो आई एम अ फेलियर इज जस्ट अ थॉट, हम हमेशा फेल होंगे, इज जस्ट अ थॉट। सो थॉट्स का आना और जाना दैट इज नॉर्मल, बट हम अपने थॉट्स के साथ कर क्या रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, रिस्क लेना बंद कर रहे हैं, दैट इज अप टू अस। सो कंट्रोलिंग आवर माइंड एंड थॉट्स इज द फर्स्ट थिंग कि हम अपने थॉट्स को पहचाने और लेट गो ऑफ दोज थॉट्स जो कि हमें रोकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। एंड देन कम्स द सेकंड थिंग इज एक्सेप्ट करना। हम अपने आज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते या हम वो जो फीलिंग हमने अपने पास्ट के साथ अटैच की है वो अगर चेंज हो जाती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे बेसिकली हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम पहले बहुत हेल्दी थे, अब हम उतने हेल्दी नहीं रहे, या मैं पहले जितना काम करती थी मैं आज उतना काम नहीं कर पा रही हूँ। सो इट्स नॉट कि हम आज खुश नहीं है या आज हेल्दी नहीं है, इट्स जस्ट कि हम ये सोच रहे हैं कि मैं पहले जैसी थी उसको मैं आज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। सो एक्सेप्टिंग योर प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की सिचुएशन में जो मैं हूँ उसको एक्सेप्ट करूँ और मैं उसको अपने पास्ट की जो फीलिंग है उसके साथ कंपेयर मत करूँ। सो जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम इजीली लेट गो कर पाएंगे उन फीलिंग्स को जो कि हमारे पास्ट के साथ अटैच्ड है। सो लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट इज कि बीइंग इन हेयर एंड नाउ। हेयर एंड नाउ का मतलब है कि आज के दिन में जो मैं फील कर रहा हूँ उसको आइडेंटिफाई करना कि वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट की फीलिंग से अटैच तो नहीं है, कि अगर मैं आज किसी चीज से हिचकिचा रही हूँ या आज किसी कोई स्टेप लेने से मैं डर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पास का फेलियर तो नहीं है जो ये फीलिंग मेरे लिए आज लेके आ रहा है, या आज मैं मायूस महसूस कर रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं कोई प्लेजेंट फीलिंग जो पास के साथ है मैं उसके साथ कंपेयर कर रही हूँ कि आज मैं उतनी खुश नहीं हूँ इसीलिए मैं मायूस महसूस कर रही हूँ। सो आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स एंड थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज से ही आप ये सब शुरू कर सकते हैं और रोज हमारे पास ये चॉइस रहता है कि हम जो दिन जी रहे हैं उसकी जो चीजें हैं हम उसको लेट गो कर पाए और अगले आने वाले दिन को और बढ़िया से जी सकें। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फॉलो आवर पेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फॉर एनी प्रोफेशनल हेल्प यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड डोंट फॉरगेट इट्स ओके नॉट टू बी ओके। हैव अ गुड डे।